हाय गाइस, इस टाइम पे मैं पहुंच चुका हूं जिद्दा के अंदर पब्लिक बीच में, जिसका नाम है नॉर्थ ओबोर बीच। और ये वाला जो बीच है, एक्चुअली ये बीच में आपको फ्रीली नहाने के लिए मिल जाएगा। ये पब्लिक के लिए ओपन है और कोई भी इधर आके नहा के जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इस बीच की रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा इसके आने और जाने का टाइमिंग, क्या टाइमिंग रहता है आने के लिए और क्या टाइमिंग रहता है जाने के लिए। और उसके साथ में ये भी बताऊंगा कि इस बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर घूमते हैं नॉर्थ ओबोर बीच। तो नॉर्मली ये बीच के नज़दीक में आपको कुछ रेस्टोरेंट या खाने का दुकान नहीं मिलेगा, इस टाइप का थोड़ा फूड ट्रैक मिलेगा। तो अगर आपको ये बीच के अंदर आके कुछ खाना है तो अपना सामान पहले से पैक करके लाओ। और ये नॉर्थ ओबोर बीच में इसका एक एक्टिविटीज़ होता है जहाँ पे बोटिंग का फैसिलिटी मिल जाता है। तो चलिए देखते कहाँ से बोटिंग स्टार्ट होता है, उसका प्राइस क्या होता है और साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि ये बोटिंग का टाइमिंग क्या होता है और उसके साथ में मैं भी बोटिंग करने वाला हूँ। तो चलिए घूमते हैं बोटिंग पे। हम लोग का ड्राइवर है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और ये हम लोगों को लाइफ जैकेट दे रहा है, लाइफ जैकेट पहन के बैठना पड़ेगा। हाँ एक सेकंड भाई जान, बैग को इधर रख दिया। आप सबसे पहले तो अभी हम लोग बोट में चढ़ चुका है और ये लाइफ जैकेट भी हमको मिल गया। और चलिए देखते हैं बोट का सफ़र, बहुत शानदार नज़ारा है, शानदार व्यू है इसका। और चलिए घूमते आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, चलिए वो भी देखते हैं। बोटिंग से चढ़ने से पहले ही अपना सामान लेके आया था खाने पीने का, मैंने आपको पहले ही बताया था। बहुत मज़ा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके बीच में आपको ये समुंदर ख़त्म है, मतलब ये जो ओबोर बीच है ये ख़त्म है और उसके उस पार में आपको दिखाई दे रहा है मेन ओरिजिनल जो समुंदर है वो स्टार्ट है। तो उधर जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग वापस इधर से घूम जाएंगे। यस यस,
पर। अब ये चला गया, बहुत मजा लग रहा है साला। हाँ इधर से मस्त आएगा। स्पीड नहीं चाहिए, मतलब यही सही है। ज्यादा स्पीड करेगा गिर जाएगा। अरे बाबा एक्सपीरियंस नहीं है, हर चीज के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत मतलब बस बस बस। अरे वाह, इधर डालने से स्पीड ज्यादा होता है। अरे वाह, तो अभी हम लोगों का बोटिंग खत्म हो गया और जो हम लोगों को बोटिंग कराया मैंने उसका नंबर ले लिया। उसका नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर कॉल करके आप अगर आओगे तो आपको थोड़ा टाइम वो एक्स्ट्रा घुमाएगा। तो अभी मैंने आइसक्रीम खरीद लिया और एक एक आइसक्रीम चार चार रियल का है। विपिन दो रियल दिया। विपिन कितना रियल दिया? दो रियल। विपिना बहुत तेज हवा आ रहा है, आइसक्रीम बहुत जल्दी गल रहा है। कोरोना ग्राम में तो नहीं लगा रहा हूँ।